बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अफोर्डेबल माय स्किन केयर रूटीन, यानी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ और वो अफोर्डेबल भी होंगे और आप भी उसको अपनी स्किन केयर का पार्ट बना सकते हो। और अच्छी बात यह कि ये तमाम प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, एक्नी वाली है या फिर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, टीनेजर हो आप, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियंट होने वाली है। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इफेक्टिव वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फेस वॉश के रिलेटेड। अच्छा, तो मैं पिछले 2 महीने से ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है। इसका पंप बहुत अच्छा है, ये हिमानी का नीम फेस वॉश है और इसके प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। जो भी प्रोडक्ट दिखाऊँगी उसके प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। और चाहो तो किसी शॉप से भी आपको बसानी मिल जाता है। इसका ये पंप दिया गया है बहुत अच्छा, ये देखो। तो इसकी मदद से आपके फेस की अच्छी सी क्लींजिंग हो जाती है बहुत ही इजीली और आपकी स्किन बिल्कुल डीप क्लीन हो जाती है, आपके पोर्स वगैरह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसे यूज़ करने में बहुत आसान है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है और सेंसिटिव भी है। तो आप इसको आराम आराम से ब्रश को अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस को बहुत डीपली क्लीन कर सकते हो। ये बहुत डीपली क्लींजिंग करता है आपके फेस की। और ये नीम एक्नी फेस वॉश है, बेसिकली मेरी स्किन भी एक्नी वाली है और सेंसिटिव भी है, तो इस पर सूट नहीं करती कुछ चीज़ें, तो मैं इसलिए हर्बल चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये तकरीबन मैं 1-2 महीने के बाद हमेशा फेस वॉश लेती हूँ अपना, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कोई DIY फेस वॉश आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर उस मंथ मैं कोई बाहर से फेस वॉश परचेज़ नहीं करती, जाहिर सी बात है, मैं वो भी पैसे लगा के ही बनाती हूँ, तो मैं वही फेस पर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर इसके अलावा एक और रिकमेंडेड है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्लीन एंड क्लियर का ये वाला फेस वॉश। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, आप टीन जरो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन के लिए ये भी बहुत अच्छा है। ये भी ऑयल फ्री है और यानी कि ऑयल फ्री स्किन करता है और बहुत ज़बरदस्त है ये। इसके अलावा अगर हम किसी टोनर की तरफ आ जाए तो सबसे बेस्ट टोनर जो है वो रोज़ वाटर है। आप जब भी बाहर से आओ, अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, आप चूल्हे के पास से आते हो, तो आपके पास रोज़ वाटर लाजमी होना चाहिए। आप इसको अपने फेस पर अच्छा हल्का सा स्प्रे कर लिया करो, इससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है और आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है और वो उस पर पिंपल्स भी कम होते हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही होती है, मैं बाहर से आती हूँ, तो मैं सबसे पहले फ्रिज में से ठंडा ठंडा रोज़ वाटर निकाल के अपने फेस पे स्प्रे ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा ये स्क्रब है जी, ये स्क्रब है गोल्डन पर्ल का, ठीक है। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है इनके प्रोडक्ट, आप चेक कर लेना, इनकी पूरी किट बहुत सस्ती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे पूरी किट का रिव्यू शेयर कर सकूँ इन फ्यूचर। अगर आप इसकी पूरी किट का रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना। आप देख सकते हो इसकी स्क्रब मैंने कितनी हद तक यूज़ कर लिया है। तो अगर आप टीनेजर हो या आप किसी भी एज के हो, तो आप अपनी स्किन को स्क्रब वीक में 1 टाइम ज़रूर करो, क्योंकि इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट रहती है, डेड स्किन नहीं बनती, ब्लैक हेड्स नहीं बनते और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे क्लीन हो जाती है। इसलिए आप कोई सा भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। तो गोल्डन पर्ल भी एक अच्छी कंपनी है, तो इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, इसलिए मैं डेली यूज़ के लिए जो है वो इसको यूज़ कर लेती हूँ। वीक में 1 टाइम हम इसको स्क्रब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी मैं आपको स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, ये मेरी सुस्ती वाली स्किन केयर रूटीन है। लाइक जब मेरा कोई DIY करने का दिल नहीं होता और मैं कहीं अर्जेंटली कहीं जाना होता है, तो मैंने ये प्रोडक्ट रखे हुए जो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं ज़्यादा प्रीफेयर करती हूँ कि मैं होम रेमेडीज़ की तरफ जाऊँ, नेचुरल वे की तरफ जाऊँ और ख़ुद घर पर DIY स्क्रब और पैक वगैरह बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गोल्डन पर्ल का पैक है जो कि क्ले पैक है और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप देख सकते हो, मैंने इसमें से काफ़ी सारा यूज़ किया है और ये भी बहुत अच्छा है। आप इसको इंस्टेंटली अपने फेस पर अप्लाई करो और 15 से 20 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर सकते हो। अगर मुझे सम टाइम निस्ती आ रही होती है ना, तो मैं कोई DIY फेस पैक नहीं बनाना चाहती, तब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं DIY पैक ही यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टेंटली या आपके पास टाइम ना हो तो आप ये वाला ले सकती हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ही है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी है। और यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी पॉन्ड्स का टोनर। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकती हो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, और इसका रिव्यू भी मैं शेयर कर चुकी हूँ एक बार अपनी, बहुत पहले मैंने इसका एक रिव्यू भी शेयर किया था, एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। इसके साथ इसका क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, फिलहाल वो मेरे पास खत्म हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वैसे मैं पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। अगर आप टीनेजर हो तो आपके पास क्लींजिंग मिल्क लाजमी होना चाहिए, आप वीक में 2 टाइम्स जो है वो क्लींस किया करो अपनी स्किन को क्लींजिंग मिल्क से। और अगर मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं DIY क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर लेती हूँ। तो क्लींजिंग मिल्क हमारे बहुत अच्छा है, अगर आप किसी भी एज में हो तो क्लींजिंग किया करो अपने फेस को। इसके अलावा टोनिंग बहुत अच्छी है, आप ये टोनर भी ले सकते हो पॉन्ड्स का, बहुत रीजनेबल प्राइस में। अदरवाइज आपको मैंने ऑप्शन दिया है रोज़ वाटर वाला, वो भी बेस्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो नेचुरल स्किन केयर रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी। अगर आप वो देखना चाहो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना, देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके अलावा
अलावा मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत जरूरी है। मेरी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्रीम है, मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ, निविया। आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी नॉर्मल मौसम है, ठंड भी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इस मौसम में आप यूज़ कर सकते हो। अगर गर्मियाँ हो तो आप ये वाली निविया यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। नेक्स्ट, आपके पास बेबी ऑयल लाजमी होना चाहिए, हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है। एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो, और मैं इसको एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बॉडी को भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप बॉडी को पे तवज्जो नहीं दोगे, मॉइस्चराइज नहीं करोगे, तो धीरे धीरे उस पर जो है वो ड्राइनेस की वजह से डेड स्किन बनेगी और पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप बॉडी को भी मॉइस्चराइज करो, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। सर्दियाँ हो तो आप क्वान्टिटी ज़्यादा यूज़ करो, और गर्मियाँ हो तो कम यूज़ करो, लेकिन मॉइस्चराइज आपने लाजमी करना है अपनी स्किन को। और हाँ, बेबी ऑयल के रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें इसके बेनिफिट्स और इसके यूजेस बताए मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन को लाजमी से चेक कर लेना है। इसके अलावा आई बटन को भी चेक ज़रूर से कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है जॉनसन्स बेबी की पेट्रोलियम जेली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको लिप्स पे यूज़ कर लेती हूँ, और सम टाइम मैं इसको अपने फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ ड्राइनेस की वजह से, और बॉडी पे भी यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहे तो दोनों में से एक चीज़ भी रख सकते हो, या जेली रख लो उसकी, पेट्रोलियम जेली जॉनसन्स बेबी की, या बेबी ऑयल रख लो। नेक्स्ट जो है ये मेरा DIY, या जाहिर सी बात मुझे DIY बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे DIY अपना सीरम यूज़ करती हूँ। सीरम आपकी रूटीन में लाजमी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम सीरम बहुत महंगे होते हैं बाहर से, तो मैं DIY सीरम्स ही बना के रखती हूँ, मैं वही यूज़ करती हूँ। रिसेंटली मैंने ये रोज़ का DIY सीरम, या ऑयल कह लो आप इसको, ये बनाया था, और इसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की थी, आप देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। ये रोज़ ऑयल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, या मैं बेबी ऑयल अब यूज़ करती हूँ, या फिर रोज़ ऑयल, दोनों में से अब एक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने बेबी ऑयल से बनाया था। सो आजकल इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ फेस ऑयल, एज अ फेस सीरम, क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे सीरम मिलते हैं, तो DIY इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप जो है वो DIY सीरम या आप ऑयल यूज़ कर लो। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सन ब्लॉक। आपकी रूटीन में कुछ हो ना हो, सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए, क्योंकि स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा UV रेज की वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप स्कूल गोइंग हो, या जॉब करते हो, या फिर अगर आपका बाहर आना जाना ज़्यादा है, तो फिर भी आपके पास सनब्लॉक होना चाहिए। और अगर आप घर पे भी रहते हो ना, तो भी आपके पास सनब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि घर पे भी हम चूल्हे के पास जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो काफ़ी डैमेज होती है। तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, और ये थोड़ी देर बाद इसकी जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वाइट नहीं रहता, बिल्कुल आपकी स्किन का पार्ट बन जाता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये रिवाज UK का सनब्लॉक है, और आप भी ये ले सकते हो बहुत रीज़नेबल प्राइस में। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप दराज से भी परचेज कर सकते हैं। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताएं, आपको बहुत आसानी किसी भी मार्ट, किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। तो आप, और दूसरा ये कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, मैं घर पे भी रहूं, तो मैं गर्मियों में अपनी स्किन पर थोड़ी सी क्वांटिटी में सन ब्लॉक लाजमी से अप्लाई करके रखती हूं, ताकि हमारी स्किन जो है वो गर्मी से, हीटिंग से डैमेज ना हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे DIY सनस्क्रीन भी शेयर किया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी जी मेरी छोटी मोटी और रीजनेबल सी स्किन केयर रूटीन, जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, अगर इन सब स्किन केयर प्रोडक्ट में से आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी आपकी स्किन केयर में मौजूद है, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी से बताना। इसके अलावा मैं प्रोडक्ट में ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें फेस पे यूज़ नहीं करती, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्नी वाली है, या फिर अगर आप टीनेजर हो, तो आप ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें और अपनी स्किन पर एक्सपेरिमेंट ना करो, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं भी बाहर से बस ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मैं ऑर्गेनिक वे की तरफ जाऊँ, नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाऊँ, तो मैं हर तरह की रेमेडी ट्राई कर लेती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि मुझे पता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर आप मैं नेचुरल देखना चाहते हो स्किन केयर रूटीन, तो नीचे कमेंट ज़रूर से करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा ही हो तो लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इफेक्टिव वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आस पास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।